रांची सी फूड का प्लेट लगा ले आ गए। आज बनने जा रहा है सी फूड का सबसे बड़ा प्लेटर और उसके लिए अभी हम लोग परचेजिंग करने आए हैं बिक्री में इस वक्त कड़े में और यहाँ से हमें दो मैकरल खरीदनी है सुरमई करेंगे। कोई ऐसा बंदा बताएं जो हमें सुरमई सस्ती दिला दे। अब हुसैन भाई आ गए, अब हमें सुरमई मिलना मुश्किल नहीं है, यानी मिल जाएगी। क्या हिसाब मिलेगी सुरमई आज? बिल्कुल आपको सुरमई मिल जाएगी। सुरमई का रेट इस वक्त चल रहा है 1800 से 2000 से 2500, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश 2500 रुपये। भाई मसला नहीं है, आज हमें बनाना है एक बेटर, उसके लिए बड़ी सुरमई चाहिए। बिल्कुल चले आए भाई। ये मछली क्या हिसाब पड़ेगी हमें? मछली हमें मिलेगी 3000 का किलो। हमें शेर गुलाम भाई के पाँव पकड़ने पड़ेंगे इस तरह। शेर भाई प्लीज भाई क्या सुनवाई बोला तो शेर। और अभी राशिद भाई से डिस्कशन बाकी रह गई है कि हम इस फेस्ट को किस तरीके से बनाएंगे। बाकी ये कि पोर्टलैंड आ गए हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। चल बोल, मैं बना देता, लेकिन मच्छी ऐसे बेटर सब डालोगे ना, ऐसा पकड़ोगे यही से आपके हाथ में होगा। तीन टुकड़े में मसला तो नहीं है, तीन टुकड़े में मसला, लेकिन नहीं है उसको पकाने के बाद जोड़ना है। आ गया प्लानिंग, समझ गया। लेकिन मच्छी नहीं जुड़े, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसको करेंगे हम लोग बारबेक्यू और इसको करेंगे हम लोग फ्राई। तो भाई डिसाइड ये हुआ है कि एक प्लेटर बनेगा बारबेक्यू का और दूसरा प्लेटर बनेगा फ्राई का। अच्छा आप ये देखें कि इस मछली इतनी बड़ी है कि इसको बाकायदा मेजर करके जो है ना काटा जा रहा है, ताकि जो है सारे पीस ऑलमोस्ट इक्वल रहें। तो भाई अब वक्त आ गया है कि हम मछली को कटवाना शुरू करें। आइए यहाँ के स्टाफ को बोलते हैं कि मछली उठाएं और उसके पीसेस जिस तरीके से राशिद भाई ने कहा था वैसे बनाना शुरू करें। चलें अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए इसको एक एक्सपर्ट अंदाज में जिस तरीके से राशिद भाई ने कहा है उस तरीके से काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो हो, आप फ्रेशनेस चेक करें सिर्फ मछली की। तो भाई ये आ गई हमारी जायंट फिश एक पीस में विद कट्स। तो भाई अब हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं और यहाँ का जो बारबेक्यू पोर्शन है वहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? भाई मुझे ये बताइए कि जो है हमारी मछली वहाँ बाहर जो है ना, वो साबुत मछली तो पूरी बाहर बन रही है, आपके पास भी फिश का कुछ कोई आइटम बनना है प्लेटर के लिए? फिश शाशलिक बोटी है और इसका एक कबाब है जो अभी तैयार हो रहा है, वो तैयार हो गया है। तो जी ये हमारी फिश शाशलिक बोटी तैयार हो रही है। शाशलिक बोटी आप ये देखिए यार, ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत बोटियाँ लग रही हैं। इंशाल्लाह पकने के बाद ये टेस्ट में भी ऐसी होंगी। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। हमारे साथ मुबीन भाई हैं। मुबीन भाई कैसे हैं आप? मुबीन भाई दूसरा ये पता चला है कि 40-50 के जी की कोई फिश डाली हुई है, इसके अंदर बारबेक्यू भी है, फ्राई भी करता है, प्रॉन्स भी है, मतलब मजा आने वाला है। तो भाई अब बारी आ गई है उस बड़ी मछली को मैरिनेट करने की और अब हम जा रहे हैं राशिद सी फूड के किचन की तरफ। वैसे बारबेक्यू मछली की मैरिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, तरीकेकार क्या होता है, पहले क्या करते हैं? नमक लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मसाला लगाते हैं। तो मसाले में नमक नहीं होता क्या? मसाले में नहीं होता। जिस तरीके से शाहिद भाई का हाथ
चल रहा है मछली के ऊपर, ये एक प्रोफेशनल हाथ ही इस तरीके से चल सकता है। आम बंदा इस तरीके से मेरे ख्याल से जो है ना मछली को नमक नहीं लगा सकता। ये मसाला, ये तो अब मसाला लगना शुरू हो गया है। अच्छा शाहिद भाई, ये वही मसाला है जो राशिद भाई की वालदा की रेसिपी है? हाँ ये वही मसाला भाई। मैरिनेशन तो ऐसा छोड़ी है, यहाँ पे हम आपको मिलवाते हैं बाबर भाई। हाँ भाई बाबर भाई, कैसे हैं आप? आप बताएं कैसे हैं? सर आप इतनी जबरदस्त वीडियो बना रहे थे, वाओ की वाओ भी कर रहे थे। मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ बनने वाली है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी फूड प्लेटर बनने वाला है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे यूनिक है, आज कमाल होने वाला है इंशाल्लाह। ज़रूर ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, बस सिर्फ आधा घंटा रुके आपको जो है ना हम ट्राई करवाते हैं। जो है झींगे झींगे मिलेंगे ना, झींगे इतने होंगे, राइस कम होंगे, आप बोलेंगे यार राइस थोड़े से ज़्यादा लेकर आओ, बस ये झींगे ज़्यादा राइस कम। ये तो मतलब ये सी फूड खाने वालों की ईद है आज, है मेरा ख्याल। आप उसी ईद में हैं? ईद नहीं है, बेसिकली लॉटरी खुली है सी फूड खाने वालों की जी। यार मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ भाई। आओ फिर मेरे साथ। तो हम किसके साथ हैं फिर? हम सब एक दूसरे के साथ, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, आओ हमारे साथ। तो भाई ये मछली अपना पहला मरहला पूरा करने के बाद अपने सेकंड स्टेप की तरफ आ गई है। जैसा कि राशिद भाई की इंस्ट्रक्शंस थी कि पहले इसको शैलो फ्राई करा जाएगा और फिर दूसरे मरहले में इसको डीप फ्राई करा जाएगा इस कढ़ाई के अंदर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कभी देखा है इतने सारे लोगों को एक साथ मछली बनाते हुए? मछली बना रहे हैं, मछली भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहां तक पहुंचे भाई? तैयार हो। वाह, शाश्विक बोटी भी तैयारियों की तरफ है और सीफ कबाब भी तैयारी की तरफ है। अच्छा अगर हम राशिद सी फूड की बात करें तो राशिद सी फूड का एम्बियंस इतना ज़बरदस्त है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मछली और समंदर का एक रिश्ता होता है वो यहाँ पे आपको पूरा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आप समंदर के ऊपर बैठ के फिश खा रहे होते हैं। ये देखें आप, इनका जो सीटिंग एरिया है वो भी बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से 500 से 600 लोग बड़े आराम से इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं और अपनी कोई भी पार्टी कर सकते हैं और राशिद सी फूड का खाना एंजॉय कर सकते हैं। इस बिस्तर के ऊपर मछली सोएगी और इस मछली को खाने के लिए हम सब बड़े ही बेकरार हैं। यहाँ पर ये शहबाज भाई होते हैं जो कि कह रहे हैं हम भी वीडियो में आने चाहिए। टेबल छोटी पड़ गई, ये आ गया जी बारबेक्यू। शाश्ले गोटी है भाई, शाश्ले गोटी है जी, शाश्ले गोटी। वाह वाह वाह, लेटर तो तैयार है और सर्व कराने की बारी आ गई है। सर्व कर रहे हैं अब आप लोग? चलो गुड। ये देखें जी आप, ग्रैंड प्लेटर। तो बस अब सर्विंग शुरू करवाते हैं, अब इंतजार नहीं हो रहा, ठंडा हो रहा है, लेकिन बड़ा ही कमाल लग रहा है। ये दोनों के टेस्ट में क्या फर्क है ये बताएगा? दोनों के टेस्ट में ये फर्क है कि पहला वाला जो है वो बारबेक्यू प्लेटर है और दूसरा वाला जो है वो फ्राइड प्लेटर है। रिव्यू देने फटाफट, बिल्कुल खा कर रिव्यू देंगे अब। आप हैं, टेंशन नहीं है, मछली से बड़ा है। ओ भाई ये प्लेटर सर्व होना शुरू हो गया है, ये प्लेटर आ गया। हाँ भाई भाई, लेटर माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है और बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पाकिस्तान में पहली बार इतना बड़ा प्लेटर बना है और इसका सहरा राशिद सी फूड को जाता है। तो बेसिकली वकार भाई बनाना राशिद सी फूड का काम था, लेकिन ये कि जो है इसका कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर आए और ये कॉन्सेप्ट आप लोग ने हमको दिया तभी हमें इस पर काम कर सके। बाकी ये कि यहाँ पर सब बैठे हुए और सब ट्राई कर रहे हैं, ये देखें। हाँ भाई लड़कों मज़ा आ रहा है जो कबाब है ना, ये वो जायका है जो मुँह को लगेगा ना पता चलेगा कि जबान ने कुछ अलग टेस्ट किया है। जितना ये सॉफ्ट और जितना ये टेंडर है यार, वाकई बहुत बहुत आता है। गुड
मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ अगर इतने बड़ा प्लेटर किसी और ने नहीं खाया होगा, वो भी राशि क्या ही बात है। ये देखिए, ये सी फूड प्लेटर की एनर्जी है, ये देखिए। हाँ भाई, कहाँ आ गए? रांची सी फूड का प्लेटर खाने आ गए। बहुत जबरदस्त खाना था और हमने प्लेटर्स तो बहुत सारे खाए। फिश प्लेटर पहली दफा खाया था और बहुत जबरदस्त टेस्ट था। बारबेक्यू वाले आइटम का ज्यादा अच्छा था। तो भाई प्लेटर का सीन तो हो गया है खत्म। अब आती है बात रिव्यू की। अगर एक ऑनेस्ट रिव्यू की बात करी जाए तो जो राइस थे टेस्ट में अप्टू द मार्क थे, उसके अंदर प्रॉन की क्वांटिटी बड़ी जबरदस्त थी। फिश की बात करी जाए तो मुझे फ्राइड फिश ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू बारबेक्यू फिश। इसके अलावा जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी पूरे प्लेटर के अंदर, वो मुझे लगी शाश्लिक बोटी और सी कबाब। बहुत ज़्यादा टेंडर जूसी टेक्सचर के साथ, टेस्ट में अप टू द मार्क। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी किसी और चीज़ के साथ, या तो किसी डिश या किसी प्लेटर के साथ या किसी नई जगह पर। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।